दोस्तों, जीवन में सबसे बुरा तब लगता है जब आपका कोई जानने वाला आपको बहुत बेवकूफ़ बनाए और आपको बाद में पता चले। दोस्तों, ऐसे ही आज मैं एक कहानी आपको दिखाने जा रहा हूँ। कहानी क्या, बेसिकली ये मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे लिख के भेजा था और मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। दरअसल यहाँ पे एक दोस्त ने है ना अपने दूसरे दोस्त को बेवकूफ़ बनाया और ये घटना है दोस्तों AWPL कंपनी की। अब कैसे वो बेवकूफ़ बनाया वो मैं आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लास्ट पर, जहाँ पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर और देखते हैं कैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बेवकूफ़ बनाया AWPL जैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। तो ये दोस्तों इतनी गलत प्रैक्टिस चल रही है ना मार्केट में, आज मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ प्रूफ के साथ। ये दोस्तों, मैंने अपने फोन की गैलरी खोल ली है और मैंने ना एक वीडियो बनाई थी AWPL की सच्चाई का हुआ पर्दाफाश। उसमें देखिए एक बंदे ने क्या कमेंट किया है। इस बंदे का नाम है दोस्तों नितिन देवगन। ये मुझे बोलता है, भाई बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, आज मेरे 10,000 डूबे हैं, कोई मत जाना, गलती से पागल बना रहे हैं सब। अब ये दोस्तों मैं नहीं बोल रहा, ये एक व्यूअर बोल रहा है। और अब मैंने देखो इसमें क्या लिखा, मैंने कहा हाँ जी भाई, मैंने कहा सही कहा आपने, और मैंने कहा बस बाकी लोगों को बचाओ इन नकली लोगों के जाल में फंसने से, है ना। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में हर बंदा बेवकूफ नहीं बना रहा, लेकिन अधिकतर लोग यानी कि 100 में से 99.99% बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। इसके बाद मैंने इस बंदे से बात करी तो इस बंदे ने मुझे बताया कि भाई साहब, मैं कल गया, मुझसे बोला गया कि प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रखना है, ये जॉब है। देखा, जॉब बोल के बुलाया। और ये इस बंदे का खास दोस्त है, अभी आपको आगे पता चलेगा, जॉब कह के बुलाया, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग तो जॉब है ही नहीं, बिजनेस है। आगे पढ़ो। और इन्होंने इसमें लिखा कि जबकि मुझे इसमें कुछ डाउट हुआ तो मैंने कई लोगों से पूछना चाहा, कोई बता ही नहीं रहा था कुछ, तब मुझे समझ में आया और ऑफिस में बात की तो उसने बताया चैन बनानी पड़ती है, सच में बहुत बड़ा फ्रॉड है, प्रोडक्ट तो इनका साइड बिजनेस है, उसके बेस पे चैन बनाने वाली फ्रॉड चल रही है। भाई आप और वीडियो बनाओ इस पे ताकि कोई भोला बेरोजगार ना फंसे। तो दोस्तों दे देखिए, जो AWPL वाले अपनी सच्चाई गाते रहते हैं ना कि हम लोग बहुत सच हैं, हम लोग बहुत साफ हैं, देख लो कैसे उनकी कंपनी में ट्रेनिंग दी जा रही है। और अगर ट्रेनिंग नहीं भी दी जा रही इनके सीनियर्स के द्वारा, तो किसी के भी जूनियर्स किसी अपने जानने वाले के साथ ऐसा बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, उसको ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं, इस बात का सवाल है। आप जनता जनार्दन से है ना आंसर चाहिए, इसका जवाब दो इसका। इसके बाद दोस्तों मैंने लिखा, ओके मेरे भाई, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, और आप पे कहाँ रहते हैं वैसे, मैंने इनसे पूछा। तो दोस्तों इन्होंने मुझे बताया कि ये मुरादाबाद यूपी में रहते हैं। अब मैं भी दोस्तों यूपी में ही रहता हूँ, है ना, लेकिन इन्होंने देखो मुरादाबाद यूपी में रह के भी इनके दोस्त ने कैसे बेवकूफ बनाया आगे ये बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि ये लोग इतने चालाक होते हैं कि किसी से बात नहीं करने देते कि कुछ मालूम ना पड़ जाए। अब देखो, मतलब एक बंदे को आपने जॉब बोल के उस कंपनी में लगवाया और उस कंपनी में आप उसे किसी से बात ही नहीं करने दे रहे, बहुत बड़े मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके बाद आगे इस बंदे ने लिखा है, खैर मैंने लड़ झगड़ के पैसे रिफंड करा लिए, क्या इन पे पुलिस केस करूँ तो हो जाएगा। तो भाई देखो, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपका दोस्त है, प्यार मोहब्बत से चीज़ों को निपटा लो, केस वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप जिस चीज़ में फंसने वाले थे उस चीज़ के अगेंस्ट आप लोगों को जागरूक करो, ये आपका काम है। अगर आप जागरूक नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, ज़्यादातर लोग धोखा खा के बैठ जाते हैं। भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जो भी बंदा अगर धोखा खा के ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से आता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके, उसको बोलना चाहिए, जरूरी है ये। इसके बाद देखो दोस्तों आगे इस बंदे ने मुझे क्या बताया, एक जान पहचान का बंदा था ब्रो, उसको उसका कॉल आया कि एक जॉब है, रिकॉर्ड रखना है कंप्यूटर पे, तो मुझे लगा ठीक है मैं चला गया, 10,000 रुपये सिक्योरिटी के मांगे। अब ये देखो भाई, जॉब देने में सिक्योरिटी कौन रखवाता है, मतलब जो बंदा आपसे जॉब लेने जा रहा है आप उसी को बोल रहे हो कि पहले 10,000 रुपये हमें दो एज अ सिक्योरिटी, तो आप जॉब दे रहे हो क्या दे रहे हो, और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हो। इसके बाद इन्होंने बोला कि सिक्योरिटी के मांगे, मैंने दे दिया इवनिंग तक। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि मुझे डाउट हो गया कि मामला कुछ और है, मैंने उससे पूछा कि भाई जो कह के बुलाया है वही जॉब है ना, तो उसका बंदा कहता है कि हाँ वही है। अब ये खास दोस्त इतना बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त पर भरोसा करेगा आज के टाइम में। आज के टाइम में तो दोस्तों देखो भरोसे वाले दोस्त ही ये कुछ और वाले निकल रहे हैं, समझ जाना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने देखो क्या लिखा कि आज फिर मॉर्निंग में डाउट हुआ, बहुत पूछा, उसने नहीं बताया तो वो ऑफिस लेकर गया और वहीं उसने ये सब चीज़ें इनकी मतलब ये सारी बातें हुई हैं, है ना। तो फिर इन्होंने बोला कि ये बात तो मैं समझ गया था कि ऐसा ही कुछ, पर ऑफिस में बट क्लियर हो गई कि, तो मैंने कहा मुझे रिफंड चाहिए, तो उसने 500 के प्रोडक्ट दे दिए, मतलब 10,000 बंदे से ले लिए और 500 रुपये के प्रोडक्ट पकड़ा दिए। वाह भाई नेटवर्क मार्केटिंग वालों,
इतने बड़े मतलब दलाली कर रहे हो ना तुम लोग, मतलब तुम्हारे तो सही में पीटा भी जाए ना तुम लोगों को तो भी कम है। इसके बाद उन्होंने देखो क्या लिखा कि उसने जब 500 के प्रोडक्ट दे दिए और बाकी रिफंड और 300 का फॉर्म फिलअप कराया, मीन 800 का चूना लगा के, बाकी फीलिंग पे जो अत्याचार हुआ वो अलग। बिल्कुल सही लाइन लिखी भाई ने, फीलिंग पे तो अत्याचार हुआ ही हुआ। मतलब अब क्या ये दोस्त जो है जो ये धोखा खाया है, क्या ये अपने दोस्त पे जिंदगी में किसी और चीज़ पे भरोसा करेगा? अगर इसका दोस्त को इसको सही चीज़ भी बताएगा ना तो शायद ये बंदा भरोसा नहीं करेगा। तो दोस्तों ऐसे आप नेटवर्क मार्केटिंग वाले अपने जानने वालों का खासकर भरोसा तोड़ रहे हो। इसके बाद इस बंदे ने दोस्तों आगे लिखा कि अरे जब ज्वाइन कराना है साफ बोल के कराओ ना। बिल्कुल इसने सही बोला भाई, अगर आपको किसी को ज्वाइन कराना है साफ बोल के कराओ ना, अगर आपको बल्क बाइंग भी उसको करानी है साफ बोल के कराओ ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? लेकिन नहीं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में से ज्यादातर लोगों का घर तो झूठ से ही चलता है। उसके बाद इस बंदे ने आगे लिखा कि ये काम है चैन बनाने का, चैन बनानी है, झूठ क्यों बोला? तो ये फ्रॉड है, मैं सोच रहा हूँ पुलिस कंप्लेंट कर दूं, क्योंकि वहां 200 बच्चे होंगे, बेचारों को पता भी नहीं क्या होने वाला है उनके साथ। हाँ, अगर वहां पे 200 ऐसे बच्चे हैं जिनको यही बोल के बुलाया गया है और ऐसे ही बेवकूफ बनाया गया है तो बिल्कुल आपको दोस्त एक्शन लेना चाहिए नितिन जी, मैं आपको यही बोलूंगा। इसके बाद देखो दोस्तों आगे इन्होंने क्या लिखा, आगे तो खैर बस हमारी इतनी बात हुई थी, तो मैंने इनसे पूछा भी था कि आपका दोस्त कितना पुराना है, तो दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है इनसे बात हुई है तो इनका दोस्त है ना काफी पुराना है। तो देखो ऐसे आज के टाइम में है ना नेटवर्क मार्केटिंग वाले बेवकूफ बना रहे हैं, आपको भी ऐसे बेवकूफ बना के बुलाया जा रहा होगा। ये दोस्तों मैंने AWPL की सच्चाई दिखाई है आपको, और केवल AWPL वाले इसे अपने लिए ही ना समझे, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर कंपनियां ज्यादातर लोग ऐसे ही बोल के बेवकूफ बना के लोगों को बुला रहे हैं और लोग बेचारे अपने कमाने के अवसरों के चक्कर में बेवकूफ बन जाते हैं इन जैसे लोगों से। तो इन जैसे नकली और जालसाज लोगों से हमें हमेशा बचना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर किसी पर्सन को इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे और लोग ऐसे भेड़िए जैसे लोगों से बच सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।